नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज़। मैं आज भोपाल DIG ईशान वली जी के साथ हूं। महावैक्सीनेशन अभियान चल रहा है, एक खेप पूरी हो चुकी है, काफ़ी सफलतापूर्वक इस अभियान को निभाया जा चुका है, दूसरी खेप शुरू होने वाली है कल से। ईशान जी, काफ़ी तैयारियां आप लोगों ने की थी और पिछली बार आप लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया था, इस बार क्या? तो इसी संदर्भ में ये बैठक थी, जो प्रशासन के, नगर निगम के, पुलिस के सारे अधिकारी कर्मचारी थे, ताकि लोगों को मोटिवेट कर सकें, उनको अगर किसी तरह की कोई समस्या कहीं पे आ रही है तो उनको लाइंस बनाने में या व्यवस्थाएं बनाने में तो कहीं पर कोई प्रॉब्लम ना आए। लास्ट टाइम भी सब सारे लोगों ने मिल करके अच्छे सामंजस्य के साथ काम किया था तो अच्छे रिजल्ट्स आए थे। इस बार भी हम प्रयास करेंगे कि अच्छा जो है सामंजस्य रहे, ताकि कल का जो टारगेट है वो भी पूरा हो। वैक्सीन की कहीं कमी आ रही है? वैक्सीन की ऐसी कोई कमी नहीं, वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में मिल रही है और रेगुलरली काम चल रहा है। पहला अभियान काफ़ी रिकॉर्ड तोड़ रहा है, इस बार क्या लगता है कि वैक्सीन कम पड़ेंगी या रिकॉर्ड फिर आप एक तोड़ेंगे? नहीं, वैक्सीन जितनी हम लोगों को अवेलेबल होंगी, अब वो शाम तक पता चलेगा, जितनी भी अवेलेबल होगी कोशिश करेंगे कि 100% लग जाए। भोपाल और मध्य प्रदेश की बात करें हम तो, जितनी वैक्सीन अवेलेबल हैं और जितने लोगों को लगनी है, तो ये टारगेट कब तक कम्प्लीट कर लेंगे? ऑलमोस्ट जो है, जो अभी का हमारा टारगेट, बेस टारगेट है, उसका ऑलमोस्ट 50-60% कवर हो गया है। तो जिस तरह से चल रहा है अभियान, हम लोग को पूरी उम्मीद है कि आने वाले महीने, दो महीने में 70-80% टारगेट कंप्लीट कर लेंगे। अवेयरनेस की कमी है अभी लोगों में वैक्सीन को लेकर, अभी भी कुछ लोग घरों से बाहर नहीं आ रहे हैं, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ राजनीतिक कंफ्यूजन है और कुछ लोग वाकई में नहीं समझ पा रहे हैं कि वैक्सीनेशन कितना ज़रूरी है। ऐसे में क्या? अभी जो हम लोगों को भोपाल में एटलीस्ट देखने को मिल रहा है कि लोग इनफैक्ट फ़ोन करते हैं कि आप किस वैक्सीनेशन कब हो रहा है, जिस दिन गैप्स रहता है उस दिन भी लोग आते हैं। तो हम लोगों को अभी तो काफ़ी उत्साह दिख रहा है, उसके लिए काफ़ी लोग जो हैं अपने आप से ही काफ़ी आगे आ रहे हैं। जिस तरह का मोटिवेशन शुरू में लग रहा था वैसी परिस्थिति नहीं है। सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन और है कि ये वैक्सीनेशन का सेकेंड डोज जो है, फर्स्ट डोज तो लोग ले रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन कोविशील्ड को लेकर भी जो कन्फ्यूज़न है, कोवैक्सीन अभी थी, कभी कोविशील्ड होती है, कभी कोवैक्सीन होती है, तो ऐसे में सेकेंड डोज का जो सिस्टम है वो कैसे सुचारू करेंगे? अभी हम लोग को कोविशील्ड मिल रही है, उसका जो सेकेंड डोज वो 84 डेज के गैप के बाद लगेगा, तो जिनके फर्स्ट डोजेज नहीं हुए अभी उन्हीं को टारगेट करें, और जिनके 84 डेज हो गए हैं तो उनके लिए तो सेकेंड डोज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर दिन ही अवेलेबल है। सर, मैं चाहूँगी मेरे चैनल के थ्रू आप एक अपील वैक्सीनेशन के लिए। हम लोगों ने जो है प्रशासन की ओर से, पुलिस परिवार की ओर से, सब लोगों से पहले भी अनुरोध किया, आपसे पुनः अनुरोध करते हैं कि वैक्सीनेशन के काम में, उस अभियान में सब लोग जुड़ें, शहर को सेफ रखें, अपने परिजनों को सेफ रखें, अपने बच्चों को सेफ रखें, ऐसी हम लोगों की आशा है, ऐसी हम लोगों की उम्मीद है। धन्यवाद। तीसरी लहर से बचाव के लिए वैक्सीनेशन ज़रूरी है, वैक्सीन लगवाएँ, मास्क लगाएँ, सैनिटाइज करते रहें, तीसरी लहर से बचे रहेंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज़। ऋषि, कि पंडित जी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें जिंदगी के सभी खतरों से बचाना है। फिर तो मेरी लय खतरे में है, क्योंकि जो कॉकरोच से डर जाए वो मेरी क्या रक्षा करेगा? वेल, कॉकरोच छोड़कर तुम्हारी पूरी लाइफ एकदम सिक्योर है। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। फॉरएवर वाले रिलेशनशिप से पहले LIC। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।